आज का दिन बड़ा सुनहरा था। घर के सभी सदस्य आज अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी को किसी से बात करने की फुर्सत भी नहीं थी। सभी अपने अपने काम की तरफ दौड़ते भागते जा रहे थे, तो बहुत सारे मजदूर घर के चारों तरफ फूलों की लड़ियां लगा रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कोई बाहर पूरे खरखराव को देख रहा था। लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, उन्हें क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, यही सोच रहे थे। तो इधर मंडप सजाया जा रहा था, तो इधर घर में औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी, नाच रही थी, गा रहे थे, झूम रहे थे और जश्न मना रही थी, जश्न की मनाने की तैयारियां कर रहे थे। तो इधर एक निहायत ही बड़ी खूबसूरत, उम्र लगभग 24 वर्ष, गोल चमकता ललिमा युक्त चेहरा दोनों आंखों की तरफ जुल्फों की लड़ियां लटकती हुई और पीछे की तरफ बाल खुले हुए, बड़ी बड़ी सुंदर सी आंखों में गहराता काजल जो उसकी सुंदरता को बाहर की ओर दिखाता और ऐसी सुंदरी को नजर लगने से बचता। लाल लाल गाल चमकते हुए गुलाब की लाल पंखुड़ियों की तरह मुलायम कोमल होठ और लगातार गहने और कपड़ों को देखते हुए अचानक से उसे लिए जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पर मानो बादल भी शर्माने लगते, चांद को जलन होने लगती। तो सूरज उस महा महा मदहोश हंसी में गुम होकर अपनी गर्मी को कम करने लगता। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सभी उसके सामने छिन्न मात्र हो रहे हैं। बादलों की आगोश में सोने लगता, घूमने लगता और यही थी घरों में सबकी प्यारी दुलारी राजकुमारी। सोना ऐसे तो इसका नाम हिमांशी था, मगर पूरा घर परिवार इसे प्यार से सोना ही कहा करता था और यह पूरे घर की इकलौती प्यारी और भाग्यशाली बेटी थी। कहते हैं कि इसके आने से पहले इसके घर वालों ने काफी गरीबी देखी थी, जिससे वो जीवन में बड़े ही कष्ट झेले थे और दुख के साथ जीना पड़ा था उनके घर वालों के। गरीबी को बहुत ही करीब से उन्होंने देखा था, मगर हिमांशी के जन्म के बाद से जैसे इनकी लॉटरी लग गई और देखते ही देखते जैसे 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 हिमांशी जन्म से अपने 24वें जन्म दिवस की यात्रा तक पहुंची, वैसे वैसे इन लोगों की धन संपत्ति भी उसी गति से आगे की ओर बढ़ती चली गई। इसलिए हिमांशी इस घर की काफी ही प्यारी राजकुमारी और सबकी लाडली सोना थी। वह लगातार बेशकीमती साड़ियों को देखती देखती तो रह रह कर वहां बैठी उसकी बुआ, चाची, माँ, छोटी छोटी माँ और भी अन्य लोग
बैठे उसे पुचकारते हुए, प्यार करते हुए, अलग अलग कपड़ों और गहनों उसके शरीर पर सजाकर उसे दिखाते हैं, पूछते हैं, और देखो सोना बेटी, यह काफी सुंदर लग रहा है, इसे पसंद करो। तभी छोटी बुआ बोली, अरे पसंद के मामले में तो हमारे पसंद की तारीफ हमारे हर मोहल्ले में होती है। अरे जिस चीज पर मैं हाथ रख दूं उसकी कीमत तो रातों रात बढ़ जाती है। इसलिए सोना बेटी यह सबसे सब छोरो यह पहन कर देखो, बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, तुम पर बिल्कुल पूरी पड़ी लगेगी। कहते हुए छोटी बुआ अपने हाथों से गहना उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। तभी सोना की मामी कुछ गहनों को हटाकर अपना गहना आगे बढ़ाते हुए बोली, अरे दीदी मना आपके पसंद की तारीफ आपके मोहल्ले में होती है, मगर हमारे मोहल्ले में तो लोग हमारी ही पसंद की दाद देते हैं। तभी दोनों में नोक झोंक प्रारंभ हो गई। अरे तुम क्या जानो, हमारा उठाना बैठना रोज का फैशन डिजाइनरों के साथ ही होता है, और तुम मुझे पसंद ना पसंद समझाओगी? अरे मैंने ना जाने कितने को अपना पसंद पहनाकर स्टार बना दिया और बना दिए। उसकी बातों को काटते हुए मामी बोली, हाँ दीदी जी आपने ठीक ही कहा, दूसरों को स्टार बना तो दिए मगर खुद स्टार बन ना सके। हा, कहते हुए ठहाके लगाते हुए वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे। भले ही आपका उठना बैठना फैशन डिजाइनरों के साथ होता होगा, मगर हमारा उठना बैठना तो घर का काम काज संभालने वाले और घर और परिवार को समय देने वाली औरतों में ही है, तो हमारी पसंद तो परिवार के लायक ही होगी ना। तभी बुआ उठते हुए मुंह ऐंठते हुए बोली, तो ठीक है, जब तुम लोगों को अपना ही पसंद करना था तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ? कहते हुए गुस्से में उठकर जाने लगी मुंह ऐंठते हुए। तभी सोना हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए बोली, अरे बुआ इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो? अरे मैं आपके भी पसंद की पहनूंगी, इनके भी पसंद की पहनूंगी, माँ के पसंद की भी पहनूंगी और खुद के पसंद की भी पहनूंगी। कहते हुए उसने उन्हें दोबारा बैठाया। बुआ हंसते हुए बोली, सच कहूँ तो बेटी तुम्हें किसी की नजर ना लगे, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरत हंसमुख और अच्छी भी हो। कहते हुए तो वो बैठकर गहने देखने लगी। तभी भाभी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों सब भी सबकी पसंद की पहनोगी और उनके पसंद की? कहते हुए वह भी जोर जोर से हंसने लगी, और यह सुनकर सभी मौजूद लोग भी हंसने लगे, और यह सब सुनकर सोना शर्माने लगी।
क्रमशः अगले भाग में यानी दूसरा पार्ट में आपको हम सुनाएंगे। और आपसे ये है, मेरा कहना है कि मेरे मंटू कुमार पाठक चैनल को आप देखिए। और ये कहानी मैं ऐसे बनाया हूँ, अभी तो मुझे मेरे से मतलब समझिए कि मैं अभी नया हूँ और बनाने भी मेरे को नहीं आता, तो मैं ये पहला एक एपिसोड डाला हूँ और आप देखिए आगे कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज़ एक कहानी मैं अपलोड करता रहूँगा, इस कहानी का पार्ट मैं अपलोड करता रहूँगा। ये कहानी बहुत ही लंबा जाने वाला है और ये कहानी बहुत ही दर्दनाक एक आगे चल के इस कहानी में बहुत ज़्यादा मोड़ आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगा। इसलिए आप सभी से मेरा विनती यही है कि आप सभी मेरे को सहयोग करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी को जैसे समझ आए वैसे हमारे कमेंट में हमें सुझाव दें ताकि हमें कुछ आप सभी के विचार को समझकर और मैं अपना थोड़ा अच्छाइयों मतलब अभी अच्छाई सुधार करते रहूं और बुराई को छोड़ते रहूं। यही आप सबसे निवेदन है और विनती है कि आप सब मुझे